बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने जो दुख हैं उनको पीछे छोड़कर दूसरों की जो बात है उसको सुनना, ज़ाहिर है वो भी एक बहुत बड़ा फ़न है, और ये फ़न जो है वो बहुत कम लोगों को आता है। होता क्या है, किसी ने बात छेड़ी नहीं और हमने जो है उस पर गाना स्टार्ट नहीं किया। वजह, कोई अपने दुख हमसे बात करना चाहता है, कोई हमसे बात जो है अपने दिल की जो है वो करना चाहता है, लेकिन हम जो है उसकी बात नहीं सुनते, हम अपनी बात जो है वो शुरू कर देते हैं। और ये आर्ट है, अगर ये हम आर्ट सीख लें तो अभी जो नफसियाती मसाइल की जो शर है ना, वो हमारे मुल्क में बहुत हद तक कम हो जाए। चाहे आप एक दोस्त हैं, चाहे आप एक बहन हैं, चाहे आप एक वाइफ हैं, चाहे आप एक भाई हैं, चाहे दोस्त हैं, या आपका कोई भी रोल है जो है सोसाइटी के अंदर या फैमिली के अंदर जो है, तो उसमें अगर ये आर्ट अगर आपने सीख लिया, और वो आर्ट क्या है कि दूसरों की बात को सुनना, जब आप दूसरों की बात को सुनना जो है आपको आ गया और आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनकी जो अंदर की जो सारा जो गुबार है वो निकल गया और आपने सुन लिया, तो इससे बेहतर जो है काउंसलिंग है वो हो नहीं सकती। और ये जो फ़न है ये हमें सीखना पड़ेगा, और उसके लिए जो ये है कि हमें ये पता होगा कि किस वक्त जो है हमने अपनी बात नहीं करनी और किस वक्त जो है हमने दूसरों की बात सुननी है। सम टाइम किसी की बात सुन लेना या किसी की बात को मतलब है कि उसके अंदर इंटरेस्ट शो कर लेना, वो जो इंसान है उसको ना सिर्फ ये है कि बहुत बड़ी जो है वो तबाही से बचा सकता है, बल्कि जो एक शौक है उससे भी आप उसको निकलने में मदद दे सकते हैं। लेकिन यह है कि उसके लिए बोलना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और बोलने से भी ज़्यादा जो है वो सुनना ज़रूरी है। और जितने भी अच्छे बोलने वाले लोग हैं वो अच्छे जो हैं वो सुनने वाले भी होते हैं। जब तक आप सुनेंगे नहीं, जब तक आप तक ये बात दूसरों की बात जो है वो एज़ इट इज़ जो है वो नहीं पहुँचेगी, तो फिर ये होगा कि आप अपनी बातें तो ज़रूर करते रहेंगे लेकिन आप दूसरों के दिलों के अंदर जो है वो जगह नहीं बना सकते। और जगह बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जो दूसरों का जो इश्यूज़ हैं आप उनके अंदर जो है वो इंटरेस्ट लें। और हमारी सोसाइटी के अंदर भी यही बात है कि अगर बहू और सास के इशू है तो वो दोनों ने सुनना नहीं है, अपनी सुनानी है। इसी तरह हस्बैंड के साथ भी यही मामलात हैं। इसी तरह आप माशरे के अंदर देख लें तो हम भी किसी, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा आके कोई गिला शिकवा करता है और शिकवा अगर आप सुन लेते हैं और उसको एड्रेस कर लेते हैं तो उसके जो मामलात हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आप एक रिसर्च भी कर लें, आपको सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो गिले करते हुए नज़र आएंगे। आपकी अच्छी एक नीयत होगी लेकिन उसके आगे से गिला होगा, और उसके गिले अगर आप उसकी बात सुन के उसको एड्रेस कर लें तो डेफिनेटली जो है वो मामलात जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। सिंपल, कोई ट्रेनिंग सेशन आप कर रहे हैं और आप एक बहुत अच्छा जो है वो कंटेंट आपके पास और आप किसी को सिखा रहे हैं, तो आप जब वो ख़त्म होगी तो आप लोगों की बातें सुनेंगे कि नहीं यार वो ये अगर इस तरह कर लेता तो इस तरह हो जाता और इस तरह कर लेता तो इस तरह हो जाता। शिकवे, अब ये नहीं समझ आई कि जो एक घंटा या डेढ़ घंटा उसने मेहनत की और उसने अपनी जो चीज़ें हैं आपको डिलीवर किए हैं उसके पीछे उसने जो है वो कितना जो है उसकी कावश है या कितनी उसकी स्टडी है या कितनी उसके जो है एक्सपीरियंस है। बारह मैंने ये देखा है कि दोस्तों ने जो है वो चीज़ें सीखी हैं और उसके बाद गिले शुरू किए और गिलों के बाद फिर अमल जब शुरू किया और जब उनको रिजल्ट मिले तो फिर उसके बाद शुक्रगुजार भी हुए। लेकिन सिंपल बात यह है कि हम ये आर्ट अगर सीख लें और दूसरों की बात को सुनने का फ़न अगर हमें आ जाए तो हमसे बड़ा आर्टिस्ट कोई नहीं हो सकता। दैट्स इट।